2.4, देखिए इसमें क्या है। ये टाइम के हवाले से याद रहे कि ये सिंध बोर्ड है और कराची में हम लोग यहाँ मौजूद हैं इस वक्त। कुछ 2.4 कह रहे द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स न्यूक्लियस। अभी अभी हमने एक डायग्राम बनाई थी कि जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके भी शेल्स होते हैं, शेल्स में कौन रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, तो इलेक्ट्रॉन घूमता है चक्कर जिस पंखे के ऊपर घूमते हैं। कह रहे द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स न्यूक्लियस इज दिस सेकेंड, कि एक इलेक्ट्रॉन जब वो शेल में न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर मुकम्मल करता है तो एक रोटेशन इतने सेकेंड में करता है। टाइम लिखे, टाइम ऑफ रोटेशन, टाइम ऑफ रोटेशन डेट इज, इसको टी से शो करते हैं या डेल्टा टी से 0.5। देखिएगा अगर आपके पास किताब है, किसी के पास सेकेंड 10^-18 है शायद, हाँ जी सेकेंड्स में करता है। कन्वर्ट इट इनटू, कह रहे कन्वर्ट इट इनटू, इस सेकेंड को तब्दील करें, यूनिट को चेंज करें किस में, नंबर वन मिनट में, मिनट्स में बताएं क्या होगा, आवर्स में क्या होगा और माइक्रो सेकेंड में क्या होगा, किस में आवर्स में बताएं क्या होगा और माइक्रो सेकेंड में भी चेंज करना है, माइक्रो सेकेंड्स में क्या होगा। तो मिनट के लिए तो आप MIN इस्तेमाल कर सकते हैं, आवर के लिए HR इस्तेमाल कर सकते हैं, चल रहा है, और माइक्रो सेकेंड का साइन कौन है, μs। सही है भाई, पहली हेडिंग क्या होगी विदाउट वेस्टिंग टाइम, टाइम ऑफ रोटेशन है, एक चक्कर का टाइम है, हाँ टाइम ऑफ रोटेशन 4 मिनट आएगा पहले क्या। तो अब आपको ये वही बात आ गई कि मिनट में और सेकंड में क्या रिलेशन है, ये पता होना चाहिए। 1 मिनट कंटेंस हाउ मेनी सेकंड्स, तो आप जानते हैं क्या, 1 मिनट इज इक्वल टू बोलिए 60 सेकंड्स। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये एक रिलेशन नंबर। अब बताइए इसमें रिलेशन नंबर क्या है मिनट और सेकंड के दरमियान, तो आप फोन बताएंगे डेट इज 60। दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिलेशन नंबर, इसको रिलेशन नंबर कहते हैं। अब मिनट को सेकंड में चेंज करना हो या सेकंड को मिनट में लाना हो, रिलेशन नंबर 60 यूज़ होगा। अच्छा आप देखें यहाँ पे क्या करते हैं, अगर बड़े यूनिट को छोटा बनाना हो मिनट को सेकंड, तो रिलेशन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर सेकंड को मिनट बनाना हो छोटे यूनिट को बड़ा, तो फिर इसी रिलेशन नंबर से डिवाइड करेंगे। अब बताइए यहाँ क्या सूरत हाल है, बिग को स्मॉल बनाना है या स्मॉल को बिग बनाना है, बोलिए। यहाँ जो टाइम रोटेशन है सेकेंड में दिया हुआ है, इसको तब्दील करना है किसमें, मिनट, यानी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज कर, तो यहाँ पर रिलेशन नंबर से पे डिवाइड करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, तवज्जो रहे। तो देखिए यहाँ क्या होगा, लिखिए जो टाइम ऑफ रोटेशन दिया हुआ है सवाल में, 0.5 इंटू 10^-18 सेकेंड्स, इसको कन्वर्ट करना है मिनट में, तो दोबारा इसी को लिखेंगे 0.5 × 10^-18 डिवाइडेड बाई रिलेशन नंबर 60, तो डेट विल कन्वर्ट इंटू मिनट्स, तो ये तब जाके मिनट में तब्दील होगा, समझ रहे। कैलकुलेटर निकालिए, है बोलिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, यह आ जाएगा 8.333 × 10^-21, 8.333 × 10^-21 मिनट्स, अगर कैलकुलेटर है तो चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आंसर। इसका मतलब इतने सेकंड में इतने मिनट्स होते हैं, समझ गए बात को, 8.33 × 10^-, यस यही, ओके। तो इस तरह आप सेकंड को, ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें छोटे को बड़ा यूनिट बना रहे थे, तो उसी रिलेशन नंबर से आपने क्या किया, डिवाइड। देखिए ये बहुत आसान तरीका है, ये रिलेशन नंबर जो हमने बना, ये रिलेशन नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा अपना खुद साख्ता बनाया हुआ तरीका है, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा ना आपकी इस बुक में मिलेगा, लेकिन इससे क्या होगा, जब आप इस रिलेशन नंबर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो बड़े यूनिट को छोटा यूनिट कैसे बनाते हैं, छोटे को बड़ा कैसे बनाते हैं, इसमें आसानी हो जाती है, यानी बात बहुत आसान हो जाती है, वरना फिर बहुत सारी चीज़ें
आपको अजबर करनी पड़ती, तो इट इज़ वेरी इजी वे, कॉन्वीनियंट वे है ये, बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपको ये रिलेशन नंबर पता होना चाहिए दो यूनिट्स के अंदर, और ये मालूम हो ही जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके बाद इसी सेकंड को तब्दील करना है किसमें, आवर्स में। हेडिंग डालें फॉर कैलेक्ट्रॉन, फॉर क्या आवर्स। अब ये बताइए टाइम ये सेकंड कितने आवर्स के बराबर होगा, तो वो बात वही आ गई कि आवर्स और सेकंड के दरमियान क्या रिलेशन है। तो हम जानते हैं कि जो वन आवर होता है एक घंटा, एक घंटे में यस 3600 सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं, ये हमें रिलेशन पता है। अब इसमें जो रिलेशन नंबर है डेट इज़ व्हाट, 3600, दिस इज़ रिलेशन नंबर। तो आवर बड़ा यूनिट है और सेकंड छोटा है। अब यहाँ पे सेकंड को हमने तब्दील करना है आवर में, यानी छोटे को बड़ा बनाना है, तो रिलेशन नंबर से फिर डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखिए 0.5 × 10⁻¹⁸ सेकंड्स की शॉर्ट फॉर्म है, इसी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर लिखेंगे क्या, दोबारा इसी को लिखेंगे क्योंकि इसको तब्दील करना है आवर्स में, दोबारा इसको लिखें 0.5 × 10⁻¹⁸ और इस दफ़ा डिवाइड कर देंगे 3600 रिलेशन नंबर से, तो ये तब्दील हो जाएगा आवर में HR। तो सेकंड को मिनट आवर बनाने के लिए 3600 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, या फिर कैलकुलेटर तो चाहिए ही चाहिए होगा इम्तिहान में भी, या अगर आपको याद है तो 1.388 × 10⁻²। 1.388 × 10⁻², आवर्स। तो इतने घंटे लगेंगे भाई। अब ये घंटे क्या बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है? 10⁻⁴ किस में लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है ना, तो ज़ाहिर है बहुत छोटा है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हेडिंग क्या होगी अब आपकी, बोलिए। अब हेडिंग डालें फॉर माइक्रो सेकेंड, ताकि बात मुकम्मल हो जाए, फॉर माइक्रो सेकेंड्स। आखिरी रह गया ना, इसको तब ख़त्म कर दें। तीसरा US, US का मतलब होता है माइक्रो सेकेंड्स भाई, US का मतलब माइक्रो सेकेंड्स, यस। तीसरा, तो फिर वही बात है कि आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि माइक्रो सेकेंड और सेकेंड के दरमियान क्या है, सेकेंड को तब्दील करना है माइक्रो सेकेंड में, तो ये तो पता ही हम लोग को। वन सेकेंड में बताइए, वन सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, 10⁶ माइक्रो सेकेंड्स होते हैं, 1,000,000। एक सेकेंड को 1,000,000 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक हिस्सा माइक्रो सेकेंड कहलाता है, और ये टाइम हकीकत में एग्जिस्ट भी करता है। 10⁶ म्यू एस, ये लैटिन वर्ड है म्यू, माइक्रो के लिए इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अब बताइए इसमें रिलेशन नंबर क्या है, पहला सवाल, रिलेशन नंबर है 10⁶, फिर इसमें बिग यूनिट कौन सा है, सेकेंड, और स्मॉल यूनिट माइक्रो सेकेंड, माइक्रो ज़ाहिर छोटा होता है। तो अब देखिए क्या होगा, अब हमें ये सेकेंड है इसको तब्दील करना है माइक्रो सेकेंड में, यानी बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट माइक्रो सेकेंड में चेंज करना है, तो रिलेशन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बारहा ये बात कही है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, जिसको तब्दील करना है उसको उठाइए, 0.5 × 10⁻¹⁸ सेकेंड्स है, तो इसको चेंज करना है हमें माइक्रो सेकेंड में, दोबारा इसे लिखेंगे फिर 0.5 × 10⁻¹⁸ डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई बाय होगा, क्या होगा, क्योंकि बिग को स्मॉल बनाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का अमल करते हैं ना, और इससे पहले स्मॉल को बिग बना रहे थे, सेकंड को मिनट बना रहे थे, सेकंड को आवर बना रहे थे, छोटे यूनिट को बड़ा बना रहे थे, तो रिलेशन नंबर से डिवाइड किया था। अब यहाँ पर है सेकंड को माइक्रो में चेंज करना है, तो सेकंड बड़ा हो गया माइक्रो के लिहाज से, लिहाजा मल्टीप्लाई का अमल करेंगे, तो 10⁻¹⁸ को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁶ रिलेशन नंबर से, तो डेट विल कन्वर्ट इनटू माइक्रो सेकंड। बाकी का प्रोसेस आप जानते हैं कि क्या होगा, 0.5 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेम बेस वाली अक में मल्टीप्लाई होती है, तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं −18, और ये प्लस का 6 प्लस से लिखते नहीं है। अब देखें क्या हो जाएगा, 0.5 × 10⁻¹⁸ माइनस प्लस माइनस 18 में से 6 गए, क्या बचे 12,
माइनस का 12 बचा, माइनस 12, और इसके साथ यूनिट क्या होगा, माइक्रो सेकंड, डेट विल बी योर आंसर। तो एक सेकंड में इतने माइक्रो सेकंड, इतने सेकंड में जो टाइम रोटेशन है हाइड्रोजन एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन का 12 माइक्रो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। म्यू एस लिख लें या पूरा माइक्रो सेकंड लिख लें, मर्जी है आपकी। तो इसके साथ ही इस चैप्टर के आखिर के तीन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाइंड अप हो जाते हैं। आपको जो काम दिया है वो ये है कि चैप्टर टू में आपने क्या करना है, 10 ईयर के जो सवाल आ चैप्टर टू में 2019 से लेकर 2018 2017 16 10 ईयर तक उसका चार्ट बना के लेकर आना है। फिर उसमें जो क्वेश्चंस वही रिपीट हो रहे होंगे बार बार, चंद एक सवाल होंगे, मेरा ख्याल है मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन बनेंगे 10 ईयर में, 6 बन जाएंगे। उनको फिर प्रैक्टिस में लाकर उसका टेस्ट दिया जाएगा। और चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स में भी आपको काम दे दिया गया है, उसमें भी आपने यही काम करना है। इज दैट क्लियर? ओके, और जो नहीं आए उन तक ये मैसेज लाजमी पहुंचा दें। थैंक यू।